दोस्तों पितृ पक्ष में देखें संकेत तो तुरंत समझ जाइए। आपके पूर्वजों का ढेर सारा आशीर्वाद व अचल संपत्ति और सुख की प्राप्ति होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को विशेष माना जाता है। श्राद्ध पक्ष को पितृ पक्ष भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक ये दिन पितरों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान जीव जंतुओं की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इनके रूप में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। खासकर कोई की अहमियत बढ़ जाती है। कोई को पितरों का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जब किसी मनुष्य के ऊपर पितृ दोष लग जाए तो आप कोई भी कोशिश कर लें, आपका बर्बाद होना निश्चित तौर पर हो जाता है। पितृ दोष का लगना कोई मामूली बात नहीं है। मनुष्य के गृह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु पितृ दोष का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पितृ पक्ष में जीव जंतुओं को भोजन खिलाने की परंपरा है, ताकि पितृ दोष कभी ना लगे। ऐसे में हम जानते हैं कि पितृ पक्ष में अगर ये संकेत मिल जाए तो बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे ये पता चलता है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं और पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों नंबर एक, कोई का बार बार छत पर आना। पितृ पक्ष में अचानक से छत पर कोई कौआ आकर बैठ जाए, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही पितृ दोष समाप्त होने वाला है। ऐसे में उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए हर हाल में आपको देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूर्वजों के खुश होने का संकेत है। दोस्तों नंबर दो, पितृ पक्ष में अगर अचानक से काली चींटियां गोलाकार आकार बनाकर घूम रही हों या लंबी लंबी लाइन बनाकर जा रही हों तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसे ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आप चींटियों को कुछ मीठा पदार्थ या आटा जरूर खिलाएं। इससे ये भी पता चलता है कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। दोस्तों नंबर तीन, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके सपने में बार बार आपके पितृ दिखाई देते हैं तो बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सपने में यदि वो आपको कुछ देते हैं तो आपको अचल संपत्ति धन प्राप्त होने वाला है। पितृ पक्ष में सपनों में माता पिता को देखना पितृ दोष के समाप्ति का संकेत माना जाता है। जब आप ऐसा सपना देखते हैं तो जीव जंतुओं को भोजन खिलाना न भूलें। दोस्तों नंबर चार, पितृ पक्ष में अचानक से कई सारी छिपकलियाँ अगर एक साथ दिखाई दे जाएं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि छिपकली जीवन में होने वाले संकेतों को दर्शाती है। ऐसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों नंबर पाँच, पितृ पक्ष के दौरान अगर सपनों में सांप दिखाई दे जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। ऐसे आप मामूली न समझें, तुरंत जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, इससे पितृ दोष समाप्त होता है। दोस्तों नंबर छः, पितृ पक्ष के दौरान अचानक से कौआ अपने मुँह में कोई तिनका या फूल आदि दबाकर आपके छत पर बैठ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है। दोस्तों नंबर सात, माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए तो ऐसे भी पितृ दोष समाप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको उस ब्राह्मण को कुछ ना कुछ खाने के लिए चावल आटा धन वगैरह जरूर दें, क्योंकि ये आपके पूर्वजों के आने का संकेत है और वो आपसे प्रसन्न है। उस ब्राह्मण को खाली न जाने दें, नहीं तो पितृ दोष लग सकता है। दोस्तों नंबर आठ, पितृ पक्ष के दौरान अचानक से गाय आपके दरवाजे पर आ जाए या फिर चौकर चाटने लगे, सिंह आदि मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर से पितृ दोष जाने वाला है। ऐसे में आप गाय को खाली न जाने दें, उन्हें आप रोटी वगैरह जरूर खिलाएं। इससे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आपको
अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।